इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। आगरा प्रेमनगर के रूप में मशहूर है। विश्व के 7 अजूबों में से एक शानदार ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। ताजमहल के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ताजमहल के अलावा आगरा में और भी कई खूबसूरत और ऐतिहासिक स्मारक हैं। इसकी वजह ये है कि आगरा सन 1638 तक मुगलों की राजधानी रहा था। बाद में उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। अगर आप यमुना नदी के तट पर खड़े हो तो वहां से आपको मुगलों के समय के कई शानदार स्मारक दिखाई देंगे, जैसे एक विशाल किला, भव्य महल, कलात्मक मकबरे और शाही बाग। इन्हीं बागों में सबसे सुंदर है मेहताब बाग। 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ मेहताब बाग यमुना नदी के पूर्वी तट पर मुगलों द्वारा बनवाया गया सबसे आखिरी यानी 11वां मुगल गार्डन था। बाग के लिए जगह का चुनाव शाहजहां ने खुद किया था। इसे नदी के दूसरे छोर पर ताजमहल के एकदम सामने बनवाया गया था। मेहताब का मतलब होता है चांदनी, यानी चांद की रोशनी, और इसलिए हो सकता है कि इसे चांदनी रात में ताजमहल को देखने के लिए बनवाया गया हो। यहाँ से ताजमहल के नजारे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बाग में सफेद प्लास्टर के रास्ते, हवादार मंडप, फव्वारे और कई पेड़ थे। लेकिन दुख की बात यह है कि बाग का स्थान हालांकि खूबसूरत तो था, लेकिन इसे आदर्श नहीं कहा जा सकता था। आगे के वर्षों में यमुना नदी में आने वाली बाढ़ में बाग काफी क्षतिग्रस्त हो गया। बहरहाल जल्द ही मेहताब बाग को भुला दिया गया और ये ताजमहल की शोहरत के तले दबकर रह गया। धीरे धीरे ये बाग मिट्टी, कीचड़ और जंगली पेड़ों में छुपकर गुम हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक भारत में इस बाग का पता एक अफवाह की वजह से चला, जो सन 1960 और 1970 के दशक में उड़ी थी। लोगों को लगता है कि शाहजहां ने नदी के दूसरे छोर पर काले संगमरमर का ताजमहल बनाने की भी योजना बनाई थी, ताकि इसमें सफेद संगमरमर के ताजमहल का प्रतिबिंब देखा जा सके। इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए सन 1979 और 80 में यहाँ खुदाई की गई। खुदाई में एक आयताकार बाग और फव्वारे की टूटी दीवारें निकली। सन 1993 और 94 में और खुदाई की गई, जिसमें एक अष्टकोणीय तालाब, इससे जुड़े टेराकोटा के पाइप और उसके आसपास 25 फव्वारे मिले। तालाब की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। इसके अलावा खुदाई में आकर्षक पेड़ों की नस्लों के जले हुए अवशेष भी मिले, जिन्हें शायद मुगलों ने विदेशों से मंगवाया होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब मेहताब बाग की मरम्मत करवाने का फैसला किया, तो उन्होंने वहां वो पेड़, पौधे और जड़ी बूटी वाले पेड़ लगाए जो मुगल चारबाग गार्डन का हिस्सा हुआ करते थे। शहर के गर्मा गर्मी से दूर आज भी सुकून के कुछ घंटे बिताने के लिए मेहताब बाग एकदम मुनासिब जगह है, जहां से सूर्यास्त के समय ताजमहल का नजारा भी देखा जा सकता है।